पड़तर प्रश्नों की मांग नहीं संतोषाता आज वडोदरा सुभानपुरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया की जोनल शाखा खाते बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन कर्मचारी धरना कर विरोध नोधाव्यो हतो। प्राप्त माहिती अनुसार बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन कर्मचारी छेल्ला एक वर्ष थी पोताना पड़तर प्रश्नों निराकरण की मांग कर रहा है, जे आज दिन सुधी स्वीकार नहीं आता धरना कर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तेम छता मैनेजमेंट द्वारा पेटनू पाणी नहीं हालता आज रोज वधु एक वक्त सुभानपुरा स्थित बैंक ऑफ इंडिया की जोनल ऑफिस खाते बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज यूनियन नेजा हेठळ कर्मचारी धरना कर उग्र सूत्रोच्चार साथ देखाव कर्या हता। अने जो हजी पण मांगणीओ स्वीकारवामां नहीं आवे तो आगामी दिवसों में ज्वलत आंदोलन करवानी साथे साथे अचोक्कस मुदतनी हड़ताल पर उतरवानी बैंक कर्मचारी चीमकी पण उच्चारी हती। आज रोज वडोदरा जोनल ऑफिस खाते अमारी जे यूनियन नी लड़ाई छे एना धरना जे अमे आज रोज पोताना राइट माटे अमे लड़ी रह्या छे तो एमा अमने छेल्ला एक वर्ष थी अमारा अमे जल्लाद पगला धरना लई रह्या छता कोई जातनु मैनेजमेंट हलतु नथी। तो हवे पछी आगामी कार्यक्रम अमारा एवा हशे के जेमा अमे अचोक्कस मुदत माटे हड़ताल करीशुं ए रीते अमे धरना करी रह्या छे। नवनीत भाई जे पटेल बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन सूरत यूनिट प्रेसिडेंट और ऑल इंडिया फेडरेशन बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ यूनियन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अनिल दुबे। आज हम बैंक ऑफ इंडिया की जोनल आंचलिक कार्यालय के सामने धरना दिए हैं। हमारे सभी स्टाफ के जो अधिकार हैं उनकी जो मांगनी जो बोलते हैं गुजराती मांगनी बोलते हैं हमारी मांगे हैं उनको लेकर हम लड़ाई संघर्ष हमारे ऑल इंडिया फेडरेशन ने कॉल दिया है उसके लेकर संघर्ष हमने जारी रखा है। उसी एक बिंदु पे हम आज यहाँ धरना दिए हैं। हमारे ऑल इंडिया जितनी ऑल इंडिया में जितनी जोनल ऑफिस हैं सब जगह आज हमारा धरना है। हमारी सारी जो संगठन हमारी अलग अलग यूनिट के अलग अलग स्टेट के संगठन हैं वो सब हमारे धरना में आज हमारे जो जितनी जोनल ऑफिस वहाँ पर धरना हो रहा है। आने वाले फ्यूचर में आने वाले जल्द ही एकदम जनवरी महीने में हमारा स्ट्राइक का कॉल भी हम दे रहे हैं। पीछे हम स्ट्राइक का कॉल दिए लेकिन हमारी आज तक जो हमारी मांगे हैं मैनेजमेंट ने सुनी नहीं है और हमारी लड़ाई इसी तरह जारी है और आगे और इसी तरह ज्वलंत लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और इसी प्रक्रिया के हिसाब से हम अभी कुछ और भी अगर हमारा अगर ये नहीं सुनी जाती हमारा जो ये स्ट्राइक धरना डेमोन्स्ट्रेशन के आधार पर हम लीगल भी कार्रवाई करने की सोच रहे हैं कि क्योंकि जो भी हमारा वायलेशन ऑफ सेटलमेंट हुआ है वो एक सेटलमेंट मैनेजमेंट और यूनियन के तहत होता है तो उसका भी वायलेशन मैनेजमेंट कर रही है तो उसके अगेंस्ट हम लीगल कार्रवाई के बारे में भी सोच रहे हैं और इस तरह से हमारे निरंतर संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी।